हेलो वेलकम यू ऑल। आज 23 जून और आप सभी लाए हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं, तो आपको इसके नतीजे दिखाना चाहूँगा जहाँ कंपनी ने आज 23 जून के दिन इसके रिजल्ट्स बताए। आफ्टर मार्केट कहीं ना कहीं इसके जो भी रिजल्ट्स जो रहे हैं उसकी वजह से कल इसके मार्केट पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है ये शेयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें देख लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। दिस साइड वी विल गेट क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस एंड दिस साइड वी विल गेट ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस एंड वी विल गेट ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लैक्स रुपीज़। तो सबसे पहले हम बात करें टोटल इनकम की, बात कर लेते हैं तो टोटल इनकम में यहाँ पर लगभग 27,000 के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 30,000 लाख के आसपास हमारे को इंक्रीज़ दिख रहे को मिल रहा है टोटल इनकम। क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब इनके एक्सपेंसेस की बात कर ले तो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 44,000 का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंसिव, जहाँ इनकम भी डिक्लाइन हुई थी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस लगभग 24 लाख का इंक्रीज मिल रहा है टोटल एक्सपेंसेस में देखने को। सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुआ है, जहाँ इनकम 30 लाख के आसपास हुई वहाँ 30 लाख से इंक्रीज़ हुई क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, वहाँ 24 लाख से एक्सपेंसेस भी बढ़े। और वहीं अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट और लॉसेज की बात कर लेते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में कंपनी फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट लगभग 1,40,000 के जहाँ लॉसेज में रहती थी वहाँ 50,000 के लगभग 600 के आसपास हमारे को इसके प्रॉफिट दिख रहे हैं, 50,600 लाख के प्रॉफिट पे दिख रहे। तो कंपनी ने क्वार्टर टू क्वार्टर अगर बात करें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमारे को देखने को मिल रहा है इस लॉकडाउन में भी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो यहाँ भी हमारे को जंप देखने को मिल रहा है लगभग 11,000 लाख से ज़्यादा के हमारे को प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस। और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भैया लॉस टू प्रॉफिट आ चुकी है कंपनी, तो बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और वहीं अब इसके बात कर लेते हैं नेट एनपीएस और ग्रॉस एनपीएस के बारे में, तो परसेंटेज में देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुए हैं हमारे को देखने को मिला है 4.43 से 9.40, अच्छी बात है डिक्लाइन हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी डिक्लाइन हो रहे हैं 9.61 से 9.40। अब नेट एनपीएस की बात कर लेते हैं, नेट एनपीएस में हमें डिक्लाइन देखने को मिला 4.05 से 3.313 और ईयर ऑन ईयर बेसिस 3.33 से 3.13। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है नेट एनपीएस में, पर अच्छा खासा रिजल्ट्स रहे हैं कंपनी के और नेट एनपीएस भी डिक्लाइन हुए। तो कहीं ना कहीं अभी पीएसयू बैंक में बात करें तो अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। और वहीं पे अगर हम बात करें अब इनके कंसोलिडेट रिजल्ट्स की, तो सेम टोटल इनकम में लगभग हमारे को डिफरेंसेस अगर देखने को मिले 1 लाख के आसपास हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिल रहे टोटल इनकम में डिक्लाइन होने के लिए, और टोटल इनकम डिक्लाइन हुई है। और ईयर ऑन ईयर बात करें तो मतलब कि इनकम में रोजअप हुई है लगभग 31 लाख के आसपास हमारे को इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले हैं इनकी टोटल इनकम। वहीं अब इसका डायरेक्ट देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की बात कर लेते हैं, फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट लगभग 1,20,000 के लॉसेस से कंपनी आ चुकी है 45,942 के लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में, अच्छी बात है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंसोलिडेट में 1,10,000 के प्रॉफिट से लगभग 92,775 के प्रॉफिट्स में। तो कंसोलिडेट रिजल्ट्स इनके मच बेटर रहे हैं अगर हम बात करें स्टैंड अलोन के ज़्यादा बेटर रहे हैं। वहाँ ईयर ऑन ईयर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर क्वार्टर टू भी कंसोलिडेट में, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा है पर ईयर ऑन ईयर स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट्स में इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो कुल मिला के कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं, तो कल इसमें अपवर्ड मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर सबसे ज़्यादा प्रोमोटर इनके पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है लगभग 71.6%, कोई भी प्लेज नहीं है वो भी अच्छी बात है। FIs और म्यूचुअल फंड बहुत ही कम होल्डिंग के साथ इसमें बने हुए हैं, वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल भी इन्वेस्टर हमारे जैसे भी इसमें कम बने हुए हैं, तो इसके मेजर चेंजेस भी नहीं है यहाँ पे होल्डिंग्स में अगर बात करें। वहीं अगर वनडे के चार्ट में अगर देखें शेयर 104 पे हमारा इस साल के स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहा था, अभी है 50 पे, मतलब अभी भी 50% के डिस्काउंट मिल रहा है, या ले ले अभी तो मैं बोलूँगा नहीं कि इसको ले लो। रिजल्ट्स तो बेशक पॉजिटिव रहे और कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू में बात करें इसके रिजल्ट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं मिल रहा है, पर दिस टाइम वी शुड अवॉइड द बैंक सेक्टर ऑफ स्पेशली पीएसयू
अभी कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि मार्केट पहले ही काफ़ी ऊपर आ चुका है। अभी इस पर अगर थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया हमारे को निचले लेवल्स पे ऐसे रिजल्ट्स के साथ मिले तो डेफिनेटली हम एंट्री मारेंगे। तो अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट चला है, जहां हमारे को 20 और 50 डेज की EMAs के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग पोजिशन बनी हुई है शेयर में, तो हम इसमें इंट्रा डे के लिए डेफिनेटली कल इस स्टॉक को चुनेंगे। तो इंट्रा डे के लेवल से अगर हम देखें स्टॉक बुलिश मूवमेंट पर है, बोलिंजर बैंड भी यही दिखा रहा है, अपर बैंड के साथ टच होता हुआ चलेगा अभी। और हमारे को अब इसमें इंट्रा डे के लिए अगर हम कल के लिए बात करें कि अगर हमारे को इसमें इंट्रा डे करना पड़े तो 48-40 पैसे के आसपास हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा। मतलब 48 के पास अगर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अपर लेवल हम इसमें लगभग 53 तक के टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये लेवल अगर इसमें निकल जाता है तो लगभग 55 तक शेयर ट्रेवल कर सकता है। ऐसा नहीं कि ये 53 पे ही ओपन हुआ और आप यहीं पर घुस गए भैया 55 जाएगा, पहले मौका देखना है, सही लेवल देखना है, निचले स्तरों पे कहाँ पे स्पोर्ट ले रहा है उसके बाद इसमें एंट्री लेनी है। फिर हमारे टारगेट 53 और 55 के आसपास रहेंगे। अगर ये लेवल पहले ही अचीव हो गए तो हम इसको इंट्रा डे के लिए कहीं ना कहीं अवॉइड कर देंगे। फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव की इसमें फ्रेश एंट्री लेनी, अभी कहीं ना कहीं मैं सुजेस्ट नहीं करूँगा कि फ्रेश एंट्री आप इसमें लो। कहीं ना कहीं अभी जो पहले से बने उनको तो इसमें कंटिन्यू डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आपने अच्छे स्तरों पे लिया है, 40 के आसपास के लेवल्स पे लिया है, तो कंटिन्यू करिए। और अगर आप दो मतलब कि आप कम से कम 4 साल के ऐसे गैप लेके चले हो कि आप इसमें 4 साल तक पैसा रहोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना कीजिए इस शेयर से कि एकदम से 100 के आसपास पहुँच जाएगा। तो और वहीं आगे बात करें RSI की, तो RSI लगभग 67 के आसपास है जो दिखा रहा है शेयर में बनी है स्ट्रेंथ, और इसमें रहेगी कंटिन्यू सपोर्ट मूवमेंट कुछ टाइम के लिए। और वहीं MACD भी यही दिखा रहा है लगातार पिछले 3 दिन से इसमें 3 कैंडल्स बनी है, स्टिक्स बनी है ग्रीन कलर की, जो शेयर में दिखा रहा है तेज़ी। तो दोस्तों कल इसमें इंट्रा डे कर सकते हैं, कीप है स्टॉप लॉस है 48, मिलता है आपको ये 50 के प्राइस के आसपास गैप अप ओपनिंग के बाद भी, तो आप इसमें एंट्री लीजिए 53 तक, या आप 52-50 पैसे के आसपास बुक कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, या अगर इंट्राडे करना है सीखना है तो ये शेयर कहीं ना कहीं अच्छा है, ज़्यादा मोमेंट नहीं होती है और आपको पता भी लग जाएगा इंट्राडे में कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करूं विद लिमिटेड शेयर्स। और वहीं अगर इसकी हायर पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो मेरे को 55 लेवल से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है डिस्पाइट ऑफ ए गुड रिजल्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है शेयर के लिए अगर कुछ ज़्यादा ही इतना पैसा बढ़ जाए तो, ये लगभग इसके 7 या 8% चढ़ जाएगा इसी हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है, कमेंट सेक्शन में इंक्वायरीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूँ, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।